फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। ब्रेस्ट फीडिंग पहले 2 हफ्ते में कैसे होना चाहिए, क्या उसके लिए हम लोग को कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या पहले 2 हफ्ते में अगर कुछ चीज़ें ठीक हुई तो आपको आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कोई इशू नहीं होगा, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। याद रखो, ऑल ऑफ यू, मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ, इट्स पार्ट ऑफ माई एक्सपर्टाइज एज अ लैक्टेशन एक्सपर्ट। उसके साथ मेरी खुद की 2 डॉटर्स के साथ मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में पक्का शेयर करूंगी। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं जितनी मदर्स से आज की डेट में बात करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, उन सबके साथ मुझे एक चीज़ तो पक्का पता चल गया कि कहीं ना कहीं पहले 15 दिन में गलती हुई है। अगर पहले 15 दिन में गलती हुई है तो फिर आपको रियलाइज होगा कि आगे चल के चीज़ें सेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए पहले 15 दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का पहला घंटा, इसको गोल्डन आर कहा जाता है या सुनहरा घंटा कहा जाता है, बिकॉज तभी माँ के ब्रेस्ट में से जो निकलता है उसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड। ये बच्चे के लिए एक्चुअली उतना ही अनमोल है जितना सोना होता है। सो बहुत सारी लड़कियों को बेसिक क्वेश्चन होता है कि वो दूध कितना आएगा, तो आप सबको एक बात बता दूँ, वो दूध बूंदों बूंदों में आएगा। अगर कोई प्रेस करके चेक करता है और बूंदों में भी दूध नहीं आ रहा है, तो भी आपका जिम्मेदारी है कि बच्चा पैदा होने के बाद हर 1 घंटे बाद बच्चा ब्रेस्ट पे लैच के लिए और सक करने के लिए आना ही चाहिए, दूध आए तो भी, दूध नहीं आए तो भी। यूजुअली दूध पहले 1 घंटे में शुरू हो जाता है। किन किन के केस में ये दूध शुरू होना फर्स्ट 48 आवर्स तक भी डिले हो सकता है, बट इन 48 आवर्स में भी आपको ये 100% करना है कि हर 1 से 2 घंटे के बाद बच्चे को ब्रेस्ट पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, नए मदर्स या नए पेरेंट्स, अगर आप ये एक चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका दूध का जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर आप में से किसी को मुझसे सीखना है तो वी हैव प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको बहुत डिटेल में सिखाएगा कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को हर 1 घंटे के बाद ब्रेस्ट पे लो। बाय द वे, जो पहला दूध निकलता है उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। अभी कोलेस्ट्रम में बहुत सारे फायदे होते हैं। कोलेस्ट्रम ये अपने आप में आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। जैसे ही वो कोलेस्ट्रम या येल्लो सा चिकट सा पहला दूध बच्चे के पेट में जाता है, वो बच्चे के इंटेस्टाइन का जो गट होता है, गट का जो लाइनिंग होता है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है। ये कोलेस्ट्रम वो चीज़ है जो बच्चे का पहला पॉटी, मिकोनियम ब्लैक स्टिकी पॉटी को पुश करके फटाफट बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। और तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपके बच्चे को जो इनिशियल न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है बच्चे का, वो सेटिस्फाई और फुलफिल करता है, इसलिए ये बच्चे को आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कम्स टू डे 2। डे 1 में हम लोग को और किसी चीज़ का ख्याल रखना है क्या? डे 1 में आपको ख्याल रखना है कि क्या बच्चे का फर्स्ट मिकोनियम मतलब पहला पॉटी निकल गया, और एटलीस्ट बच्चे को पूरे 24 घंटे में एक बार तो भी सुसू होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं डे 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है। लाइक सेकेंड डे एक्चुअली आपको रियलाइज होगा कि बच्चा फर्स्ट डे तो बहुत सो रहा था, सेकेंड डे तो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बार बार दूध मांग रहा है, बार बार निप्पल पे आ रहा है, मतलब बच्चे को कंपलसरी भूखा रह रहा है, बच्चे को पाउडर का दूध पिलाओ। याद रखो ऑल ऑफ यू, सेकेंड डे मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज सेकेंड डे बच्चे को सडनली रियलाइज होता है कि अभी हम पेट के बाहर है। पहला दिन तो थकान में चला जाता है, टाइप ऑफ डिलीवरी, लेबर पेन, नया जगह, बच्चे का वो क्राउनिंग मोमेंट, उस समय बच्चा बहुत थका हुआ रहता है। बट सेकेंड डे सडनली उनको रियलाइज होता है मैं नई दुनिया में हूँ, नए लोग मुझे टच करें, नए नए आवाज़ है, एंड दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। सेकेंड डे मदर्स ज़रूरत पड़े तो पूरा दिन बच्चे को ब्रेस्ट पे रखो, बट बच्चा जितनों के हाथ में जाएगा, जितने लोग चुप करवाने की कोशिश करोगे, जितना ये चीज़ करोगे, उतना बच्चा और भी ज़्यादा इरिटेट होगा। एंड सेकेंड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेकेंड डे है तब भी अगर बच्चा बहुत रोया, इसीलिए आप लोगों ने पाउडर का दूध बच्चे को दे दिया, तो मिल्क फ्लो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो पहले 5 दिन जितने ज़्यादा बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाओगे दोनों ब्रेस्ट से, उतनी बार करो।
तो 2 घंटे में दूध पिलाना है, शायद 1.5 घंटे में दूध पिलाना है क्या, घड़ी देख के दूध पिलाना है क्या, ये सब पाउडर के दूध के लिए सही है, आपके दूध के लिए नहीं। जस्ट फीड, जस्ट फीड, जस्ट फीड। एक रूल, रूल नंबर 3 जो आपको याद में रखना है, ये आपका यूजुअली day 3 तक सेट हो जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए पूरे 24 घंटे में, स्पेशली पहले 5 दिन, आप बच्चे को हर 1.5 से 2.5 घंटे के बीच में ब्रेस्ट फीड कंपलसरी कराना है। उसके लिए जो भी ज़रूरत हो वो कराओ, लेकिन आपके लिए वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद बच्चा तो फीड ही नहीं करता है, बच्चा तो मुँह ही नहीं लगाता, और 15 मिनट रुको फिर वापस फीड करवाने की कोशिश करो। बच्चे को सकिंग आता है, सिर्फ उसको ब्रेस्ट पे सक करना सीखना है और आपको सिखवाना है। नेक्स्ट चीज़ पे आता है राइट लैचिंग, या बच्चे का ब्रेस्ट से राइट अटैचमेंट, ये आपको सीखना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग ये नेचुरल जितना है, बट ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर ये सेट नहीं हुआ पहले 2 हफ्तों में। तो इनिशियल डेज में आप लोग जितना जल्दी सेट करोगे उतना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। सो बाय द टाइम आप day 3 पे जाओगे, आपको रियलाइज़ होगा जो कोलेस्ट्रॉम है वो धीरे धीरे पतले दूध की तरह कन्वर्ट हो रहा है। बार बार प्रेस करके चेक करके कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना दूध निकल रहा है, कितने बूंदों में दूध निकल रहा है, जस्ट आपका एक ही काम है बच्चे को बार बार फीडिंग के लिए लो। पॉइंट नंबर 4, पहले 1 हफ्ते में एज अ मदर आपका डाइट, इनफैक्ट आपका डाइट थ्रू आउट बहुत ज़रूरी रहेगा, बट इनिशियल 1 हफ्ते में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप रिकवर कर रहे हो आपके डिलीवरी के प्रोसेस को लेके। तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान में रखो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पानी पीना है, पपाया प्रेफरेबली खाओ, ओट्स खाओ, बहुत हेल्दी खाना खाओ, ड्रमस्टिक्स खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, और प्रॉपर खाना खाओ, भाकरी, चपाती, चावल, राइस, दाल, हाई प्रोटीन डाइट, सैलड्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पॉइंट नंबर 5, मूव योर बॉडी। अगर आपको आपका ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा करना है तो आप सिर्फ बेड पे सो के ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत वॉक करना, मूवमेंट्स करना, थोड़ा बहुत एक्टिव होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंश्योर करेगा कि आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा। आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एज रिलैक्सिन, जो आपके पूरे प्रेगनेंसी में आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, तो आपको और थोड़ा रिलैक्स रहने की आदत हो जाएगी। बट डिलीवरी के बाद जो आपका मसल डैमेज हुआ है, जो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, जो आपका इंटेस्टाइन, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा बेबी की तरफ फोकस हो जाता है, तो आप जैसे ही मूवमेंट शुरू करोगे वैसे आपका चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेटल हो जाएगी। 6th thing, डू नॉट बॉदर मच अबाउट स्लीप, स्पेशली पहले 2 हफ्ते में, दिन हो चाहे रात हो, बच्चे का स्लीप रूटीन मेंटेन रखो। मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी स्पेशली एज अ लैक्टेशन एक्सपर्ट, आप कोशिश करना कि बच्चे को दिन में आप कंपलसरी 1.5-2 घंटे बाद पिलाओ, तो आप लोग को रियलाइज़ होगा कि बच्चे को जितने ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है उतना दिन में कंप्लीट हो जाता है। आप 24 घंटे में एक बार बच्चे को 4 घंटे के लिए सोने दे सकते हो, वो प्रिफरेबली आप 4 घंटे का गैप रात के समय रखोगे, तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर। ओके, पॉइंट नंबर 7, स्वेडलिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा पूरा दिन बच्चे को बांध के रखो तो बच्चा पूरा दिन सोते रहना चाहिए। एज अ मदर आई विल सजेस्ट यू कि ये मत करो। मैं मेरे बच्चे को नहाने के बाद बांधती थी और फिर डायरेक्टली रात में बांधती थी और बाकी पूरा दिन बच्चे को खुला रखती थी। इसका एडवांटेज क्या होता था पता है? मेरे बच्चे को पता था कि जब ये मुझे बांधती है तभी मैं ज़्यादा देर के लिए सोता हूँ, एंड इट वॉज़ अ ट्रीट फॉर मी। मेरे लिए दिन रात का शेड्यूल सेट होने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुआ। दो हर बच्चा अलग है, हर माँ अलग है, हर बच्चे का शेड्यूलिंग अलग है, बट ये ट्रिक आप लोग 100% ट्राई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, स्पेशली पहले 2 हफ्ते में हर मदर बोलती है कि कोई रूटीन नहीं है, बस सुसु पॉटी ब्रेस्ट फीडिंग, सुसु पॉटी ब्रेस्ट फीडिंग। ये 2 हफ्ते का रूटीन अगर आप लोग स्माइल के साथ कर पाओगे तो आप लोग को रियलाइज़ होगा कि आपका शेड्यूल बहुत अच्छे से आगे जा रहा है। आपके हॉर्मोन्स जो आपके बॉडी में पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको डिप्रेस फील करा रहे हैं, आपके आँख में से पानी ला रहा है, आपको जम रहा है, आपको नहीं जम रहा है, वो सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप में से किसी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, आँख में से पानी आ रहा है, वी हैव अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन रिकवरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, वो आप लोग एक बार पक्का चेक कर लेना। पॉइंट नंबर 9, जैसे ही आपका पहला हफ्ता कंप्लीट हो गया आप लोग को रियलाइज़ होगा कि बच्चे का पॉटी
हर फीड के बाद बच्चा पॉटी करे तो भी नॉर्मल है, हर अल्टरनेट फीड के बाद बच्चा पॉटी करे तो भी नॉर्मल है, हर दो दिन के बाद बच्चा पॉटी करे तो भी नॉर्मल है, बट यूजुअली पहले हफ्ते में बच्चा हर रोज़ या दो दिन में एक बार पॉटी करता है, और हर रोज़ पहले दिन एक बार, दूसरे दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार, ये पाँचवें दिन तक रिस्पेक्टिव दिन के हिसाब से बच्चे ने सूसू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो दूसरे हफ्ते में आपको रियलाइज़ होगा बच्चे का पॉटी का शेड्यूल थोड़ा सेट हो गया, बच्चे का सूसू का शेड्यूल थोड़ा सेट हो गया। आपको लैच को लेके सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 9, प्लीज़ बच्चे को बॉटल फीडिंग मत दो, किसी भी हालत में बॉटल फीडिंग मत दो। अगर आपने इनिशियल दो हफ्ते में बॉटल फीडिंग बच्चे को दे दिया तो बच्चे के पास एक बहुत ज़्यादा आसान ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड देन याद रखना फिर चीज़ें वापस सेट करना, वापस नॉर्मल पे लाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जितना जल्दी और क्विकली पॉसिबल हो सके पहले दो हफ्ते डेडिकेट करो आपके ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए, आपका आगे का टाइम बहुत ज़्यादा स्मूथ और पीसफुल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 10, अ कॉन्फिडेंट एंड अ नॉलेजेबल मदर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ममाज, आपका लाइफ सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, लैच, अटैचमेंट के आसपास मत रखो, उसके साथ बच्चे को KCT देना, दैट्स कांगारू केयर थेरेपी, बच्चे को चेस्ट पे स्किन टू स्किन लेना, बच्चे के साथ टाइम एंजॉय करना, ये सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मेरे पास टाइम कितना है, पूरे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए भी स्माइल के साथ मिरर में देख बोलिए वाह आई एम सो हैप्पी टू बी अ मदर, आपका ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी सेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पहले दो हफ्ते ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल करने के लिए ये सारे सीक्रेट्स हैं, वो जितने जल्दी याद रखोगे, जितना अच्छे से फॉलो करोगे, और पहले दो हफ्ते आपके जितना अच्छे से जाएंगे उतना आपका आगे का ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इन चीज़ों को याद रखना। एज अ लैक्टेशन एक्सपर्ट आपको अगर मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadwija.com। आप लोगों को अगर मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग सीखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ पर मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग सीख सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।